चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक सेंसर है जो ऑस्ट्रेलिया से आता है और इंडिया में तैयार किया जाता है। इस सेंसर का ये फायदा है कि जितने भी गैस सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं उनको रोकता है। सबसे पहला फायदा ये बताएगा कि हमारे सिलेंडर में गैस कितनी है, गैस पूरी है या नहीं है, ये हमारे पास मेजरमेंट है। अगर सिलेंडर सुई पूरी ऊपर आती है तो गैस हमारा सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, सुई अगर नीचे है तो सिलेंडर में गैस कम है। दूसरा फायदा इसका ये है कि इस तरह से हमने इसको प्लांट करना है, पहले इसको रेगुलेटर की जगह लगाना है, उसके ऊपर इसके रेगुलेटर फिट हो जाएगा। उसके बाद हम चूल्हा जलाते हैं और जितने हादसे होते हैं वो लीकेज की वजह से होते हैं। अगर ये चूल्हा जल रहा है और अगर यहाँ से लीकेज हो तो ये आग गैस पकड़ लेगी बिल्कुल और ब्लास्ट होने का खतरा रहेगा। तो हम इसको लीकेज करके देख लेते हैं। मैं पूरा पाइप निकाल रहा हूँ कि मैंने लीकेज कर दिया। अभी हमारा सिलेंडर ऑन है तो इसके अंदर गैस आनी चाहिए, तो पहले चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर गैस आ रही है या नहीं आ रही है। इसके अंदर गैस नहीं है, यानी इसने क्या किया, अब सेंसर की तरफ देखिए, इसने पूरा जैसे मैंने इसको लीक करा सिलेंडर को लॉक कर दिया, स्विच डाउन हो गई। अब मैं कितनी भी कोशिश करूं इसको ऑन करने की, ये चालू नहीं होगा। ये कहता है कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई लीकेज है, जब तक इस लीकेज को आप ठीक नहीं करोगे मैं चालू नहीं होगा। मैं चलिए इस लीकेज को ठीक कर देता हूँ और फिर इसको ऑन करता हूँ। सुई ऊपर आ गई, अब जैसे ही मैं लीकेज करता हूँ सुई डाउन हो जाती है। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि जैसे ही कोई सिस्टम में लीकेज होगी ये ऑटोमेटिकली इसको लॉक कर देगा। इसके अलावा इससे जो बड़े हादसे होते हैं वो किस तरीके से होते हैं देख लेते हैं। बड़े हादसे होने का क्या कारण होता है, किस वजह से होता है? आपका केवल चूल्हा अंदर से भी लीक हो सकता है, यहाँ से पाइप से लीक हो सकता है। अगर उस समय आपका चूल्हा जल रहा है और जलते जलते अगर ये आग यहाँ तक आ गई तो इसको ब्लास्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक बार हम करके देख लेते हैं प्रैक्टिकल, क्या ऐसा संभव है, क्या इसलिए कोई काम करेगा। ये मैंने चूल्हा जला दिया और अब जलते जलते मैं यहां पर आग लगा के देख रहा हूं कि क्या हुआ। जैसे ही मैंने जलते हुए चूल्हे पे जहां चिंगारी दिखाई पाइप को आगे किया, एकदम फौरन इसने लॉक किया और गैस की सप्लाई को बंद किया और आगे गैस आने से बिल्कुल रोक दी, यानी हादसा नहीं हो सकता। इसके अलावा फिर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि गैस पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है कि चिंगारी दिखाते हैं वो आग को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं जबरदस्ती करके क्या ऐसे ब्लास्ट हो सकता है। ये अब मैं जबरदस्ती इसको ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, अगर ये सेंसर यहां नहीं होता, रेगुलेटर होता, तो जितनी तेजी से गैस आगे जा रही है तेजी से पीछे ब्लास्ट होता, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता। अभी देखने का मकसद क्या है कि इसने अपने तरफ आग को नहीं आने दिया, जितनी पाइप पे गैस आई उसको गोला बना के बाहर फेंक दिया, ना कि अपनी तरफ आया। यानी इसको लगाने वाला मैं भूल जाओ कि आपका गैस सिलेंडर कभी ब्लास्ट होगा। इसके अलावा ये गैस की बचत करेगा, आपकी कम से कम 200 रुपए गैस की बचत करेगा।